आपका फिर से मेरी इस वीडियो में, जो अपनी बाइक में मैं लगाने जा रहा हूँ आज, मोबाइल होल्डर प्लस चार्जर, जो आपको मैं दिखाऊंगा अपनी बाइक में लगा के। देखिए बहुत अच्छा और बहुत लुक वाइज बहुत प्यारा है, और इसके अंदर यहाँ पर एक स्विच भी दे रखा है जो इसको ऑन ऑफ करने के लिए है। तो इसका मैं डायरेक्ट कनेक्शन अपनी बैटरी से करना होगा। तो गाइस शुरू करते हैं, आपको हमारे को मोबाइल होल्डर लगाने के लिए अपने को वो आप देखिए अपनी गाड़ी में आपके जहाँ जगह है उसके हिसाब से आप उसको लगा लीजिएगा। तो गाइस शुरू करते हैं, ये आप अपनी बाइक में देख लीजिएगा, जहाँ आपको कंफर्टेबल हो आप वहाँ लगा लीजिएगा। तो मुझे तो अपनी बाइक में मेरे यहाँ लगेगा, तो मैं इसलिए यहाँ आपसे खोलता हूँ ये स्क्रू। देखिए स्क्रू खोल लेना है ये, और उसके बाद अपना ये जो है चार्जर अपना होल्डर प्लस ये इधर लगा लेना अपना अच्छे से करके। स्क्रू खोल लेंगे पूरा अपना बाहर, ठीक है। गाइस शुरू करते हैं, ये देखिए इसका तार जो है काफ़ी लंबा है, तो ये है इसका कनेक्शन हमारे को डायरेक्ट अपनी बैटरी में लगाना। तो अब आप देखते हैं, अब इसको लगाते हैं हम लोग, ठीक है, अपने हिसाब से। आप अपनी बाइक में अपने हिसाब से लगा लीजिए जहाँ आपको कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसको टाइट कर लेना अच्छे से। काफ़ी अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है, जैसे हमने खोला था इसको ऐसे ही टाइट कर देंगे हम लोग। तो जैसे कि देख रहे हैं गाइस, अब ये टाइट हो चुका है, अब इसको हमारे को करने हैं इसके कनेक्शन, ठीक है गाइस। तो गाइस शुरू करते हैं, इसको करने के लिए हमारे को बैटरी का अपना जो बॉक्स होता है उधर जाके खोलना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो मुझे सबसे पहले अपने ये स्क्रू खोलने हैं, ये खोल लेना है अपने को। इसका कवर जो होता है अपना बैटरी वाले बॉक्स का, यहाँ से ये खोलेंगे हम। ये अपना बाहर हो गया, अब उसके बाद ये बैटरी वाले स्क्रू हैं ये खोल लेना है, सीट कवर अपनी सीट जो है ये दोनों खोल लेंगे अच्छे से। बहुत अच्छे से ध्यान से खोलना कि ना अंदर ना गिर जाए। ये खुल गया अपना बैटरी वाला पार्ट। अब उसके लिए हमारे को इसको कनेक्शन करने के लिए हमारे को इसका ये वाला वाइजर वाला जो होता है ये हिस्सा भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को तार के अंदर से निकालने हैं इसलिए। तो हम सबसे पहले अपना ये वाला यहाँ का जो इसके अंदर होते हैं छोटी सी वो निकाल लेते हैं, पिन जो होती है इसके अंदर, तो पिन निकालेंगे। ये निकल गई हमारी एक पिन, ठीक है, ये पिन निकल गई। उसके बाद हमारे को खोल लेना है ये वाला हिस्सा अपना इसका, ताकि हमारा वायर जो आएगा वो दिख जाए हमारे को आता हुआ इसके अंदर से। और एक बचा अपना ये पेचकस का, इसको बहुत उससे खोलना अच्छे तरीके से। ये खुल गया हमारा, ठीक है गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अपना खुलने वाला है, इसको बहुत प्यार से खोलना है ताकि टूटे उठे ना इसके अंदर। ये यहाँ से निकल गया, और एक ये यहाँ नीचे लॉक होता है इसका, यहाँ से खोल लेना है। और उसके बाद में हमारे को इसको बाहर निकाल लेना है, कि जो इसकी पिन होती है वो अच्छे तरीके से चेक करके पर अच्छे से निकाल लें उसको। गाइस देख सकते हैं आप, ये निकल गया है। तो गाइस देख रहे हैं, तो इसको हमारे को इसके तार जो है इसके यहाँ से निकाल लेने हैं, ताकि तार के कनेक्शन आसानी से हो जाए और किसी नजर में भी ना आए। ये तार अपने यहाँ से आ गए, और उसके बाद में अपने को इसको अंदर ही अंदर से लेना है, ताकि किसी नज़र में नहीं आए तार अपने। ये अपना तार यहाँ से आ गया, उसके बाद अपना बैटरी के तक इसको तार को लेके जाना है, ठीक है। अब ये प्रॉपरली अपनी बैटरी तक तो गाइस हमारे को इसको बैटरी का जो कवर होता है ये सबसे पहले ये खोलना है अपना। ये देखिए जैसे मैंने खोल लिया है, इसका जिसका जो सेफ्टी कवर होता है वो हटा लेना है अपने को। अब इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं ये सेफ्टी कवर इसका हट गया है। अब इसको हमारे जो इसके स्क्रू है प्लस माइनस ये खोल लेने हैं अपने। ये देखिए ये पेचकस सब खोल लेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं खुल गया है, ध्यान रखिए गिरे नहीं, ठीक है, बहुत छोटा पार्ट है तो इसलिए ध्यान से खोलें। और एक चीज़ का खास करके ध्यान रखें, जो अपना कनेक्शन कर रहे हैं तो उसमें प्लीज़ पहले जो अपना रेड वाला कनेक्शन होता है उसको लगा लें। अपने को रेड वाला कनेक्शन कर देना है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से लगा लें।
तो इसको हमें अच्छे से टाइट कर लेना है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं टाइट हो गया है, और इसी हिसाब से हमारे को जो दूसरा वाला तार है इसको भी टाइट करना है। तो हमारे को इसका कनेक्शन करने के लिए अब इसको भी अच्छे से टाइट कर लेना है, काफ़ी अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि लूज ना रहे। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे ताकि हमारा लूज ना रहे कनेक्शन। ये ठीक है, अभी हो गया कनेक्शन और इसको हम करेंगे चेक। दोस्तों फिर हमारे को इसको चालू करने के लिए इसके अंदर देख रहे हो बहुत छोटा इसमें स्विच है, माइक्रो स्विच, तो इसको हमें ऑन कर देना है। ये हम ऑन करेंगे इसको, ठीक है, ये हमारा ऑन हो गया। और ये फिलहाल तो मैं अपने मोबाइल जो चार्जर है मेरा उसका USB केबल है, अब उसको मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखिए, अभी मेरा फ़ोन है, मैं इसको चार्जिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब मैं इसको लगाता हूँ प्लग इसका। तो गाइस देख रही हैं आप, ये चार्जिंग शुरू हो गई है इसकी, ये आपके सामने वो चार्ज हो रहा है अच्छे तरीके से। तो अब हम इसको अपना दोबारा से जैसे हमने खोला था सारा सिस्टम ऐसे लगा देंगे। बैटरी का जो ऊपर का कवर का लॉक जो है इसको लगा देते हैं अच्छे तरीके से। तो ये अपना लग चुका है, अब इसको हमने जैसे खोला था वैसे ही, तो जैसे हमने खोला था इसको हमने वैसे ही प्रॉपर फिट कर दिया। अब चलो इसकी छोटी सी टेस्ट राइड करके देखते हैं। ओके, तो करते हैं इसमें मोबाइल लगाना। अब मोबाइल लगाने के लिए इसमें कोई सा भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ये iPhone S 5S। अब देख रहे हो आप कैसे बिल्कुल ये एकदम इस पर कम्फर्टेबल है, अब राइड के दौरान ये कहीं कहीं जाएगा भी नहीं। और इसी के साथ हम देख ही रहे हो ये लॉक सिस्टम है, इसको लॉक कर देते हैं तो इससे हमारा फ़ोन बिल्कुल सेफ हो जाता है राइड के दौरान। इसमें तो अपना दूसरा मोबाइल लगा के जो है vivo v5। अब इसको हम जैसे खोला ऐसे निकाल लेते हैं इसको वापस। अब ये देखिए बड़ा फ़ोन है, अब ये भी इसके अंदर अब देख सकते हो कितना फ़र्क है दोनों मोबाइलों के अंदर। ये देखिए ये लगा दिया, और अब हम कर देते हैं इसको लॉक जैसा आप देख रहे हो। अब करते हैं हम इसकी एक छोटी सी टेस्ट राइड। तो देख रहे हो गाइस बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल है राइड के दौरान, और बिल्कुल एकदम सेफ है ये। आप इसको अपना कोई सा भी फ़ोन जो आपके पास में यूज़ करते हो आप उसको लगा सकते हो बिल्कुल 100%।